नमस्कार दोस्तों, वैदिक होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि समस्त वेदों का ज्ञान ही वैदिक ज्ञान है। दोस्तों, शरीर को ठंडक देने के लिए खीरा एक कारगर और नेचुरल उपाय है। मुख्य रूप से सलाद में प्रयोग होने वाले खीरे में बहुत कम मात्रा में कैलोरी पाई जाती है। यही वजह है कि यह मोटापा कम करने के इच्छुक लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वैसे सिर्फ खीरा ही नहीं, उसका छिलका भी बहुत उपयोगी है। सलाद के तौर पर प्रयोग किए जाने वाले खीरे में इरेप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। दोस्तों, खीरा पानी का भी बहुत अच्छा स्रोत होता है। खीरे में विटामिन ए, B1, B6, C, D, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। नियमित रूप से खीरे का जूस शरीर को अंदर व बाहर से मजबूत बनाता है। खीरा कब्ज से मुक्ति दिलाने के साथ ही पेट से जुड़ी हर समस्या में फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा एसिडिटी, छाती की जलन में नियमित रूप से खीरा खाना लाभप्रद होता है। आइए जानते हैं खीरे के ऐसे ही स्वास्थ्यवर्धक लाभ के बारे में, जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मधुमेह, रक्तचाप की समस्या से बचने के लिए नियमित रूप से खीरे का सेवन फायदेमंद हो सकता है। खीरे के रस में वो तत्व हैं जो पैनक्रियास को सक्रिय करते हैं। पैनक्रियास सक्रिय होने पर शरीर में इंसुलिन बनती है। इंसुलिन शरीर में बनने पर मधुमेह से लड़ने में मदद मिलती है। खीरा खाने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी कम होता है। इससे हृदय संबंधी रोग होने की आशंका कम रहती है। खीरे में फाइबर, पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, जो ब्लड प्रेशर को दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। खीरा हाई और लो ब्लड प्रेशर दोनों में ही एक तरह से दवा का कार्य करता है। यह बालों में त्वचा की देखभाल में भी काफी फायदेमंद है। खीरे में सिलिकॉन व सल्फर बालों की ग्रोथ में काफी फायदेमंद है। अच्छे परिणाम के लिए आप चाहे तो खीरे के जूस को गाजर व पालक के जूस के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। फेस मास्क में शामिल खीरे का रस त्वचा में कसाव लाता है। इसके अलावा खीरा त्वचा को सनबर्न से भी बचाता है। खीरे में मौजूद एस्कॉर्बिक एसिड व कैफिक एसिड पानी की कमी, जिसके कारण आंखों के नीचे सूजन आने लगती है, इसको भी यह कम करता है। यह कैंसर से भी बचाने में काफी फायदेमंद है। खीरा के नियमित सेवन से कैंसर का खतरा कम होता है। यह सभी तरह के कैंसर के रोकथाम में काफी कारगर है। लड़कियों के मासिक धर्म में भी यह काफी फायदेमंद है। खीरे का नियमित सेवन से मासिक धर्म में होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलता है। लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान काफी परेशानी होती है। वो दही में खीरे को कसकर उसमें पुदीना, काला नमक, काली मिर्च, जीरा और हींग डालकर रायता बनाकर खाएं। इससे उन्हें काफी आराम मिलेगा। वजन कम करने में भी खीरा काफी फायदेमंद है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए खीरे का सेवन काफी फायदेमंद रहता है। खीरे में पानी अधिक और कैलोरी कम होती है, इसलिए वजन कम करने के लिए यह अच्छा विकल्प हो सकता है। जब भी भूख लगे तो खीरे का सेवन अच्छा हो सकता है। सूप और सलाद में खीरा खाएं। खीरे में फाइबर होते हैं, जो खाना पचाने में भी काफी लाभप्रद है। आंखों के लिए भी खीरा काफी लाभकारी है। अक्सर फेस पैक लगाने के बाद आंखों की जलन से बचने के लिए खीरे को स्लाइस की तरह काटकर आंखों पर रखें। इससे आंखों को ठंडक मिलती है। खीरा की तासीर जलन कम करने की होती है। यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ फेस पैक लगाने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। जब भी आंखों में जलन महसूस हो तो खीरे की स्लाइस काटकर अपनी आंखों पर रख सकते हैं। यह मसूड़ों की बीमारी में भी काफी फायदेमंद है। खीरा खाने से मसूड़ों की बीमारी कम होती है। खीरे के एक टुकड़े को जीभ से मुंह के ऊपरी हिस्से पर आधा मिनट तक रोकें। ऐसे में खीरे से निकलने वाला फाइटोकेमिकल मुंह की दुर्गंध को खत्म करता है। टैनिंग और सनबर्न में भी खीरे की छिलके का इस्तेमाल काफी फायदेमंद साबित होता है। इससे त्वचा का रूखापन भी कम होता है और मॉइस्चर बना रहता है। खीरा काटने के बाद आप उसकी छिलके को हल्के हाथों से लगा सकते हैं।
कई लोग इसके छिलके को सुखाकर पीस लेते हैं और उसमें गुलाब जल की कुछ बूंदे मिलाकर फेस पैक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरा जोड़ों के दर्द में भी काफी फायदेमंद है। खीरे में सिलिशिया प्रचुर मात्रा में होता है, इससे जोड़ों को मजबूती मिलती है और टिश्यू परस्पर मजबूत होते हैं। गाजर और खीरे का जूस मिलाकर पीने पर गठिया और बाय रोग में मदद मिलती है, इससे यूरिक एसिड का स्तर भी कम होता है। तो आम सा दिखने वाला खीरा कई गुणों से भरपूर होता है, तो बिना देर किए आप खीरे को अपने आहार और सलाद का हिस्सा जरूर बनाइए। दोस्तों, स्वस्थ शरीर ही जीवन की असली पूंजी है। इसी तरह वैदिक होम रेमेडीज के अगले एपिसोड में हम आपके लिए आयुर्वेद से जुड़ी घरेलू और रोचक जानकारियां लेकर वापस आएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वैदिक ज्ञान को बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।